उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव दरियापुर ओल्डी में मौलाना साद की तकरीर से इज्तिमे का आगाज हो गया है। उन्होंने सभी लोगों को भाईचारे के साथ रहने और दीन के रास्ते पर चलने का संदेश दिया। इज्तिमे के इस आयोजन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस इज्तिमे में भारत के अलावा अन्य मुल्कों से भी जमात में लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि मौलाना साद तबलीगी जमात के सबसे बड़े चेहरे के रूप में पूरी संसार में जाने जाते हैं। इनकी तकरीर सुनने के लिए पूरे संसार से, पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा होते हैं। इज्तिमे में आने वाले लोगों के लिए स्थानीय लोगों ने भी अपने निजी वाहनों को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लगा रखा है, ताकि इस इज्तिमे में आने वाले लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। इस इज्तिमे में प्रशासन व्यवस्था भी मुस्तैद रखी गई है। जगह जगह पुलिस चौकी तैनात करी गई है। इज्तिमे में कार्य करने वाले सभी तरह के लोग जो बाहर से आ रहे हैं, उन लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए यहां के स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। तकरीरों का दौर चालू हो गया। हम आपको बता दें कि ऐसा ऐतिहासिक इज्तिमा बहुत ही कम देखने को मिलता है। सभी लोग इस इज्तिमे में एक दूसरे का हाथ बटाने में लगे हुए, मदद करने में लगे हुए। अभी देखिए आपने खबर SS की एक रिपोर्ट।